नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ बताया है। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। यहां पर ये बता दें कि केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिका पारित कर चुका है, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताया गया है। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़ गए हमारे साथ। जी गोपाल, तो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ याचिका दायर की है, क्या कुछ इस याचिका में बोला गया है? जी बिल्कुल अकांक्षा, पहला ऐसा स्टेट है जिसने सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि 60 से अधिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित दायर हो चुकी है, लेकिन केरल सरकार ने पहली बार याचिका दायर की है और उसने कहा है कि जो अनुच्छेद 14, 21 और 25 है उसका यह कानून उल्लंघन करता है, समानता के अधिकार के यह कानून खिलाफ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करे, यह मांग की गई है केरल सरकार द्वारा। जी गोपाल, एक अनयूजुअल मूव है जहां स्टेट सेंटर के लाए लेजिस्लेशन को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, क्योंकि केरल सरकार ने सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और केरल सरकार ने साफ कर दिया था कि वह अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देगा। अब इस मामले को लेकर के केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो जब 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी तो केरल सरकार की इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।